तो तुम समंदर के बीचों बीच फंसे हो, किनारे का नामो निशान नहीं, तुम्हारे पीछे है मोंजो कहुना, दुनिया की सबसे बड़ी सबसे तेज लहर। अब क्या करोगे? अपने हाथों को तेजी से चलाओ और फिर 1, 2, 3 खड़े हो जाओ और फिर जाकर थोड़ा खाना खाओ। चलो भी डूड, तुमने मेरा पूरा शॉट बिगाड़ दिया। हाँ, तुम्हारे नकली रियलिटी सर्वाइवल शो का ये नकली नहीं है, ये टेस्ट फुटेज है। अगर मुझे अपनी खुद की सीरीज चाहिए तो मुझे प्रोड्यूसर्स को दिखाना होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। जो करना चाहते हो बाद में कर लेना, अभी खाना खाओ। ये हुई ना कुछ बात। एक बर्फीला तूफान फोर्ट्रेस स्टेडियम की ओर बढ़ रहा है, इसलिए हम एक्सट्रीम कंडीशंस ट्रेनिंग करने के लिए जल्दी निकल रहे हैं। आयरन टैंक से मुकाबला होगा, वो भी फोर्ट्रेस स्टेडियम में, सदी के सबसे खतरनाक तूफान के बीचों बीच। अब क्या करोगे? टैक्टिकल डिवीजन, प्रोग्रेस रिपोर्ट। सारे ड्रिलर्स दुगनी तेजी से काम कर रहे हैं कर्नल वॉन पुश, अब बस कुछ ही मिनटों में वो हमें मिल जाएगा। जानाइन, तुम करीब 3 हफ्तों से ड्रिलिंग कर रहे हो, तुम कैसे कह सकते हो कि वो अभी मिल जाएगा? कैप्टन उबर सर, मैंने कैलकुलेशंस करके पता किया है कि हम जितनी देर तक उसे ढूंढेंगे उसके मिलने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। पहला दिन हम सब एल्प्स जा रहे हैं, हमें जरूरत होगी सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की। हाँ, जैसे कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे इन कम झुकने वाली सीट्स पर। आयरन टैंक, वो वहां नीचे क्या कर रहे हैं? कैसे हो टीम? मेरे कैलकुलेशंस के मुताबिक एक बड़ा बवंडर वाला बर्फीला तूफान आने वाला है, जिसके साथ होगी तेज भयानक हवाएं, जिसकी वजह से 48 घंटों में मौसम असहनीय हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम आल्प्स में हैं। मेरा मतलब है मौसम बड़ा ही बेलगाम हो जाएगा फाइटर। ना 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 ना, ना प्रोफेसर, हम आल्प्स में हैं। मौसम बहुत खराब हो जाएगा। क्या, मैं तो बस मदद कर रहा था। जैसा कि शॉ ने कहा, एक भयानक तूफान में आयरन टैंक के साथ खेलने के लिए सीरियस सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत होगी, और मुझे पता है हम वो सब कहां सीख पाएंगे। दूसरा दिन हम कोच के साथ जा रहे हैं, पता है फोर्ट्रेस के हालातों के लिए हमारी तैयारी कहां होगी? ऊपर। ये कूल है, और मेरा मतलब कमाल वाला कूल नहीं, ठंडा वाला कूल है। अभी हालात इतने खराब हैं, तो सोचो क्या होगा जब इस वीकेंड पर वो तूफान एल्प्स पर अपना धावा बोलेगा। शेख, शेख, तुम क्या कर रहे हो डूड? सर्वाइवल का पहला नियम, हमेशा एक साथ रहो। ठीक है, आ रहा हूं। आखिरकार तुम सब कहां रह गए थे? कमाल है, ये तो सोचा था उससे भी बड़ा है। इस खोज से हम बन जाएंगे सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स। कमाल है
है दोस्तों। अच्छा है। हाँ, ये हुई ना बात। प्रोफेसर का नया थर्मल किट तुम पर ठंड का असर नहीं होने देगा। अब मिलो अपने ट्रेनिंग ओपोनेंट से। ये पेड़? आयरन टैंक हमसे काफी ज्यादा लंबे चौड़े हैं, इसलिए हमारा एडवांटेज रफ्तार और फुर्ती। आसान है, मैं तो बस करूंगा अपना क्लासिक मूव जिससे वो हो जाएंगे। पर ठंडा तापमान और तेज हवा से हर तरफ फिसलन बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करें? ग्रिप के लिए तुम खेलोगे खास लंबे स्टड्स के साथ। तो फिर जल्दी से वो हमें दे दो कोच। कमाल है आयरन टैंक, हम जीत गए और तुम बस पेड़ों की तरह अकड़ कर खड़े रहे। इसे कहते हैं अकड़ू परफॉर्मेंस। बॉयज, लगता है कि मेरे कैलकुलेशंस बस थोड़े से गलत थे। पता चला है तूफान असल में आने वाला है अभी इसी वक्त। ये अच्छा नहीं हुआ दोस्तों। किसी के पास कोई आइडिया है? चलो कह दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। ओ कम ऑन, कभी नहीं। तुम कहना तो चाहते हो। ठीक है ठीक है ठीक है, अब क्या करोगे? हमें चाहिए होंगी डालियां, कुछ पाइन कोन्स और साथ ही पक्का इरादा। तूफान वक्त से पहले आ गया है। बहुत अच्छे, विंटर फुटबॉलर प्रोग्राम के लिए ये कंडीशंस बिल्कुल सही हैं। जो जानकारी हमने इकट्ठा की है, आप जानते हैं किससे? उससे इस तूफान में खेलना बीच पर चलने जैसा होगा। पर हमने कई सालों से इतना खराब मौसम नहीं देखा। शायद, पर मैंने जो डेटा हासिल किया है वो हजारों साल पहले का है, आइस एज का। मैच के दिन हम उन सुपर स्ट्राइकर्स की कुल्फी जमा देंगे। तीसरा दिन, हमने बर्फ में खुदाई करके अपने लिए गुफा बनाई है जो हमें बाहर के खतरों से बचाएगी। बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में कुछ ज्यादा ही गिरावट आ गई है। हाँ, बोलो जो। हमें बचाने के लिए थैंक्स दोस्त, मेरी नजर में तुम्हारा शो हिट है। थैंक यू डूड, पर हमें यहाँ से निकलना होगा वरना उस शो का पहला एपिसोड भी नहीं बन पाएगा। अभी मुश्किल है दोस्तों, वो तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा। शेक, शेक, शेक। रास्ता दो दोस्तों। तुम वहां नीचे नहीं जा सकते। दोस्तों, हमारा दोस्त वहां नीचे कहीं है और शो में ही उसे बचा कर लाने की काबिलियत है। क्या ये सच है? तीसरे दिन की दोपहर है और तुम्हारा टीममेट एक गहरे गड्ढे में गिरा है। तुम्हारे पास सिर्फ एक रस्सी और अपनी हिम्मत है, अब क्या करोगे? वो नहीं। वाह, हाँ, पर आयरन टैंक को एक जमे हुए केवमैन से क्या चाहिए? वो देखने के लिए बेकरार। क्या तुमने उसे देखा है? आपको यकीन नहीं होगा, कमाल का है।
क्या आपने कभी देखा है थॉर के पर दादाजी को? मुझे नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो। चलो भी, वो चेहरा बनाओ। नहीं। चलो भी। मुझे नहीं करना। ये मेरा ऑर्डर है। इसे कहते हैं किसी की कार्बन कॉपी होना। अटेंशन, बहुत हुआ हंसी मजाक। सुपर स्ट्राइकर्स वाले गेम को एक ही दिन बचा है। हम यहाँ आए हैं। क्या वो? हे थॉर, मुझे लगता है तुम्हारे पर दादाजी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो मेरे दादाजी नहीं है। ओके, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आ गया मेरे दोस्त। घुस बैठिए, जासूस पकड़ो उन्हें। तुम्हें गुफा में एक जमे हुए केवमैन के साथ हूँ और आयरन टैंक तुम्हारे पीछे है। अब क्या करोगे? कूदो! तुम्हारे पास उन्हें पीछे छोड़ने का कोई तरीका है? हाँ, मोंडो कहूना। वो बड़ी लहर, मुझे लगा था वो झूठी कहानी है। मेरे शो में सब असली होता है शेक। एक, दो, तीन, खड़े हो जाओ। अब क्या करोगे? मुझ पर भरोसा है? यहां पर कोई नहीं है। ठीक है कर्नल। इतना असली तुम्हारे लिए काफी है? क्या वो असली है? कमाल का है, एक अच्छी तरह संभला हुआ स्पेसिमेन। ना 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 ना, वो एक स्पेसमैन नहीं, एक केवमैन है। तो प्रोफेसर, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वो आखिरी आइस एज का रहने वाला था। आपका मतलब इससे भी ज्यादा ठंड? बहुत बहुत ज्यादा जो, उस वक्त पूरा ग्रह बर्फ से ढका हुआ था। और आयरन टैंक उसे स्टडी कर रहे हैं जो तब जिंदा था। बॉयज, फिक्र की बात नहीं है, हमारे पास हमारा विंटर किट है, हमारे स्टड्स हैं, हम आयरन टैंक और मौसम की दी हुई हर चुनौती के लिए तैयार हैं। अब वक्त आ गया है सबसे अच्छे विंटर फुटबॉलर्स का। मुझे नहीं पता ब्रेंडा, मुझे ठंड महसूस ही नहीं होती। आयरन टैंक का मुकाबला सुपर स्ट्राइकर से, दोनों में बेहतर कौन है? इस गेम में वही जीतेगा जिसने आज के मौसम के लिए पूरी तैयारी की होगी। वो आयरन टैंक को फोर्ट्रेस में हरा रहे हैं, क्या बात है। हाँ।
यहाँ दो। फाइटर की नजर गोल पर है। इस कमाल की ओपनिंग। सुपर स्ट्राइकर तो इस खराब मौसम में भी आराम से खेल रहे हैं। खराब मौसम? न जाने तुम किस बारे में बात कर रही हो ब्रेंडा। लगता है सुपर स्ट्राइकर्स काफी अच्छी तैयारी करके आए हैं। खास स्टड्स, बहुत अच्छे। उम्मीद है तुम्हारे पर दादाजी धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। वो मेरे दादाजी नहीं है। ओके, फिक्र मत करो। सुपर स्ट्राइकर्स भले ही अभी हमसे तेज हैं, पर जल्द ही ठंड उन्हें धीमा कर देगी। निकल चुका है और मौसम बदतर होता जा रहा है। हाँ, एक जैकेट पहनते तो अच्छा होता मैक। हाँ? सुपर स्ट्राइकर को बॉल के साथ ज्यादा वक्त नहीं मिल रहा। आयरन टैंक फिर से गेम में लौट आए हैं। अब इस रोमांचक मुकाबले में और क्या होगा मैक? मैक? चौथा दिन, बात और भी बिगड़ती जा रही है। मैंने अपने पहले एपिसोड के लिए ऐसा एंडिंग प्लान नहीं किया था शेख। हम ठंड के लिए तैयार थे पर इसके लिए नहीं। हाँ डूड, ये गेम हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। शायद फिसल कर ही हम उनसे आगे निकल पाएंगे। मोंडो कहूना, मोंडो कहूना, मोंडो कहूनी वोटी। हाँ, तुम दोनों प्रोफेसर से कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे हो। बस बॉल को मुझ तक पहुंचाना। आयरन टैंक अब किसी भी वक्त अपने होम ग्राउंड पर होने का फायदा जरूर उठाएगा। सुपर स्ट्राइकर्स को थोड़ी गर्मी की जरूरत है और मैक को भी। पता था तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी। और अब शेख को और परेशानी होने लगी है। चलो देखें आयरन टैंक दूसरा गोल कर पाते हैं या नहीं। गोली बोका एक बढ़िया से और उसने बॉल सीधे शॉट के पास भेज दी है। तुम बर्फीले तूफान में खेल रहे हो। तुमने एक केवमैन से सीखा है और स्टड्स नहीं पहने हैं। अब क्या करोगे? एक, दो, तीन, खड़े हो जाओ। शेख की शानदार रफ्तार। अब सिर्फ गोलकीपर से निपटना है। ठीक हो गए। हाँ, कहा था ना मुझे ठंड नहीं लगती ब्रेंडा। कोच सर सही थे। आयरन टैंक को हराने के लिए वाकई काफी बड़े सर्वाइवल स्किल्स की जरूरत पड़ी। वैसे आज तुमने जो भी किया वो अत्यधिक प्रशंसनीय था। देखा, एक सिर्फ मैं ही नहीं जिसे उनकी बात समझ में नहीं आती। मेरा मतलब है कि तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। तुमने केवमैन को ढूंढा, सब जीरो तापमान में ट्रेनिंग की और आयरन टैंक को उनके ही फोर्ट्रेस स्टेडियम में हराया। तुम अब क्या करोगे?
वापस स्ट्राइकर लैंड की खिली धूप में जाएंगे, जी भर के खाएंगे तंदूरी दावत और देखेंगे दुनिया का सबसे कमाल का सर्वाइवल रियलिटी शो। हाय, मैं हूँ शो और आप देख रहे हैं अब क्या करोगे। ओ शो, तुम बिना अलविदा कह दो अपने पर 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 दादाजी को थॉर। ये मेरे पर दादाजी नहीं है और वैसे भी ये एक बेकार आइडिया था। हाँ, जाहिर है कि हमें केवमैन से फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं सीख सकते,